आज हम इकाई नोड्रोमेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इकाई नोड्रोमेटा को चार क्लास में बांटा गया है, एस्टेरॉइडिया, ओफियूरोइडिया, इकाइनोइडिया और होलोथ्यूरोइडिया। हम पहली क्लास के बारे में पढ़े हैं, एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया में जंतु में पांच भुजाएं पाई जाती हैं और केंद्रीय बीम से वो स्पष्ट रूप से अलग नहीं होती। मुख्य तल की तरफ वो खुली होती है, खुली हुई खांच पाई जाती है, उसे वित्थी खांच कहते हैं और उसके अंदर चूसक पाई जाती है और चूसक के शीर्ष के ऊपर ट्यूब फिट पाई जाती है। इसमें गुदा व परंध्रक उपमुखतल की मतलब उपमुख स्तर की ओर पाई जाती है, गुदा और परंध्रक। और परंध्रक चलने समान छिद्रयुक्त प्लेट होती है जो जल का है ना प्रेषण तंत्र में खोलता है जल को। और इसमें पेडिसिलेरिया पाया जाता है। पेडिसिलेरिया चिमटी का आकार का होता है, यह स्पाई व सुरक्षा का कार्य करता है। यह स्वतंत्र जीवी अथवा मांसाहारी जंतु होती है, एक लिंगी होती है। एक लिंगी अर्थ है कि इसमें इसके अंदर मादा जनन और नर जनन अलग अलग होते हैं। इसमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। मैंने आपको पहले बताया था ना परिवर्तन दो प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार के होता है उसमें तो लार्वा पाई जाती है, और प्रत्यक्ष प्रकार का होता है उसमें लार्वा नहीं पाई जाती। अप्रत्यक्ष में लार्वा बाइपिनेरिया लार्वा पाई जाती है। कौन सी लार्वा पाई जाती है? बाइपिनेरिया। और इस वर्ग में आने वाले जंतु का आकार तारा मछली और सागर तारे होते हैं। और इस क्लास को आगे दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली तो है सोमेस्टेरॉइडिया, दूसरी है यूसेस्टेरॉइडिया। और सोमेस्टेरॉइडिया में आने वाले जीव शेष तो विलुप्त हो गया, केवल एक स्पीसीज बची है, प्लेस्टेरियस लेटीरेडिएटा। प्लेस्टेरियस लेटीरेडिया केवल एक ही स्पीसीज बची है, बाकी विलुप्त हो गई है शेष। और यूसेस्टेरॉइडिया में आने वाले जीव सागर तारे होते हैं। और इसको आगे तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, और तीन पहला था फेनेरोजोनिया, स्पाइनुलोसा, फार्सिपुलाटा। फेनेरोजोनिया में एस्ट्रोपेक्टन व पेंटासिरोस जंतु आते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोपेक्टन व पेंटासिरोस किस वर्ग में आते हैं, तो ये कौन से वर्ग में आते हैं? एस्टेरॉइडिया। और स्पाइनुलोसा में एस्टेराइना जंतु आते हैं, और फार्सिपुलाटा में हेलिएस्टर और एस्टेरियास जंतु आते हैं। अब हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे। दूसरी क्लास है ओफियूरोइडिया। ओफियूरोइडिया में भी पांच भुजाएं पाई जाती हैं, पर वो केंद्रीय बीम से स्पष्ट रूप से अलग होती हैं। इसमें मुख व परंध्रक मुख स्तर पर ही पाए जाते हैं, गुदा इसमें नहीं पाए जाते। उसके अंदर तो परंध्रक और गुदा उपमुख तल की ओर पाए जाते थे, स्तर की ओर, पर इसके अंदर मुख स्तर की ओर पाई जाती है। इसमें वित्थी खांच नहीं पाई जाती, और इसके अंदर वित्थी खांच नहीं पाई जाती तो इसमें अंदर चुस्क नहीं पाया जाता। चुस्क के ऊपर ट्यूब फिट भी नहीं पाया जाता। इसके अंदर पेडिसिलेरिया भी नहीं पाया जाता। इसमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष लार्वा होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, तो अप्रत्यक्ष द्वारा होता है तो इसमें लार्वा ओफियोपलूटियस लार्वा पाई जाती है, ओफियोपलूटियस। और इसमें आने वाले जंतु भंगुर तारे या सर्प तारे होते हैं। इसको आगे दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला था ओफ्यूरिया, दूसरा यूरियली। ओफ्यूरी में से ओफ्यूरा, ओफियोथ्रिक्स, ओफियोडर्मा जंतु आते हैं। यूरियसी में मंजूसा तारा, एस्टिरोनिक्स जंतु आते हैं। अब हम इकाइनोडर्मेटा की तीसरी क्लास पढ़ेंगे, इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया इकाइनोइडिया में शरीर बीमा अंडाकार या अर्ध गोलाकार होता है, तो इसमें भुजा नहीं पाई जाती है, भुजा विहीन होता है। इसमें एरिया समिति पाई जाती है, और इसके कंकाल के ऊपर गतिशील सुलो पाई जाती है, और इसको एरिस्टोटल लेंट्रेन कहते हैं। इसके कंकाल के ऊपर गति से स्लो पाए जाते हैं, इसके कारण इसे एरिस्टोटल लेंट्रेन कहते हैं। मुख और गुदा दोनों विपरीत स्तर पर होते हैं। पाँच से कम इसमें जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें परिवर्तन भी अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, और लार्वा प्लूटियस होती है।
और इस क्लास को आगे तीन सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है वो थ्रियोसिडेरियोइड, दूसरा है रेगुलेरिया, तीसरा है इरेगुलेरिया। बहुत थ्रियोसिडेरियोइड को आगे डिवाइड नहीं किया गया, इसमें आने वाले जंतु बहुत थ्रियोसिडेरिस होती है। रेगुलेरिया को आगे चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है लेपिडोसेंट्राइटा, दूसरा है मेलनकाइनोइडिया, तीसरा है सीडेरोइडिया और चौथा है डाइडेमेटाटोइडिया। तो लेपिडोसेंट्राइटा में तो पेलियोडिक्स जंतु आते हैं, मेलनकाइनोइडिया में मेलनकाइनस जंतु आते हैं और सीडेरोइडिया में हिस्टोसिडेरिस जंतु आते हैं और डाइडेमेटाटोइडिया में इकाइनस या डाइमेटा जंतु आते हैं। और इरेगुलेरिया क्लास को आगे चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला तो है होलेकेटिपोइड पोइडा, दूसरा है कैसीडुलोइडा, चौथा है क्लाइपिएस्ट्रोइडा, चौथी है स्पेंटेगोइडा। और होलेक्टिपोइडा में होलोकेटिपस जंतु आते हैं और कैसीडुलोइडा में कैसीडुल्स जंतु आता है, क्लाइपिएस्ट्राइडा में क्लाइपिएस्ट्र जंतु आता है और स्पेंटेगोइडा में हद्य अर्चिन या स्पोर्टेगस जंतु आते हैं। अब हम इकाइनोडर्मेटा की चौथी क्लास पढ़ेंगे। चौथी क्लास कौन सी है? होलोथुरोइडिया। होलोथुरोइडिया में जंतु का शरीर लंबा बेलनाकार होता है और खीरे समान होता है। इसमें सिर पर भुजा व सुख नहीं पाए जाते। इसके अंदर वित्ति खांच बंद प्रकार की होती है। इसमें मुख ना बोस्पर्शकों द्वारा घिरा रहता है। इसमें श्वसन वृक्ष द्वारा होता है। इसमें गुद्दा पपीला द्वारा घिरा रहता है। इसमें चूसक पर ट्यूब फिट पाए जाते हैं। इसमें भी प्रवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो लार्वा और ऑरिकुलेरिया पाए जाते हैं। इस वर्ग में आने वाले जंतु समुद्री खीरे होते हैं। इसको आगे पांच ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला तो है डेंड्रोकिरोटा, दूसरा है एस्पिडोकिरोटा, तीसरा है एलिसिपोडा, चौथा है एपोडा, पाँचवा है पोल्फेडोनिया। डेंड्रोकिरोटा के अंदर आने वाले कुकुमेरिया थायोन जंतु आती है और एस्पिडो किरोटा में होलोथुरिया और एक्टिनोपोइगा जंतु आते हैं और एलिसिपोडा में एलविडिया और प्लेगोथुरिया जंतु आते हैं। एपोडा में साइनेपेटा लेप्टोसाइनेटा जंतु आते हैं और मेलपेडोनिया में मोलपेडिया जंतु आते हैं। इसके आगे हमें ना मतलब जंतु कैसे होता है वे बारे में नहीं पूछे के और इसके एग्जाम्पल ही पूछेंगे। और अब हम इसमें एक सब फाइलम है। तो दो दो थे, दूसरा तो प्लमेटो जो है, पहला तो एंथमेलो जो था और दूसरा प्लमेटो जो है। प्लमेटो जो में एक क्लास है क्रिनोइनिया। क्रिनोइनिया में जीव स्वतंत्र नहीं होते, ये जीवन पर्यंत चिपके ही रहते हैं। इसमें मुख व गुद्दा मुख स्तर पर पाए जाते हैं। भुजा साखित व पिचाकार होती है, इसमें भुजा पाई जाती है। वे साखित व पिचकार होती हैं। इसमें विधि खाँच पाई जाती है। इसमें चूसक पर ट्यूब फिट नहीं पाए जाते। परंध्रक और सुल्लो इसमें नहीं पाए जाते। आहार नाल विकार की होती है। केंद्रीय डिस्क प्यालेनुमा कैलिकस होती है। केंद्रीय डिस्क प्यालेनुमा कैलिकस होती है। परिवर्तन इसमें भी अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इसमें लार्वा विटेलेरिया पाया जाता है, विटेलेरिया पेंटाक्रिनाइड कह सकते हैं। और इसके आगे चार ऑर्डर में बांटा गया है। तीन ऑर्डर तो इसके विलुप्त हो गए, केवल एक ही जीवित है जो है आर्टिकुलेटा। आर्टिकुलेटा में एंटीडोन फेदर तारा न्योमेट्रा समुद्री लिली आदि जंतु आती है। थैंक्स गाइज, अब यह पार्ट समाप्त हो गया है।